This is my channel. Ah, good. Yeah. So this video will come on this channel. You watch? Good. Okay. Thank you. Спасибо. Bye. Bye. Thank you. तो ये हमको ये मिली है. What's your name? Tamirisk. और what's your name? इनको मैंने अपना चैनल बताया तो उन्होंने कहा कि हमारा भी वीडियो बना लो और चैनल पे डालना, हम जरूर देखेंगे. दोस्तों अभी हम केबल कार में आ गए हैं और ये ऊपर पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं. उनको भी दिखाता. तो दोस्तों मैं सुपर मार्केट गया था, वहाँ से मैंने सिम लिया और एप्पल लिया और जो केक था वो मैंने लिया. तो अभी शाम तक का काम हो जाएगा अपना और शाम तक मुझे अस्ताना निकलना है और अभी जा रहे हैं कोकतोबे. तो ये सब भाई लोग भी हॉस्टल से ही हैं. हेलो देव भाई. और इनका क्या नाम है? अनुराग. अनुराग भाई. और ये रंजीत भाई. प्रवीण भाई. प्रवीण भाई. तो अभी जा रहे हैं और हम लोग चार लोग जा रहे हैं कोकतोबे. तो अभी देखते हैं. ये आप देखिए रास्ता कितना खूबसूरत है, दोनों तरफ बर्फ ही बर्फ है. दिसंबर जनवरी फरवरी तक लगभग आप आएंगे तो मौसम आपको ठंडा मिलेगा और बर्फ ही बर्फ मिलेगा. अगर आपको थोड़े नॉर्मल मौसम में आना है यहाँ पे तो आप जुलाई के बाद, क्योंकि जुलाई जून ये सब में यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है. तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं कोकतोबे के पास. ये आप देख सकते हैं सामने कोकतोबे और इसके ठीक सामने ये आप देख सकते हैं ये बहुत फेमस होटल है, होटल अलमाटी ऐसा कुछ नाम है इसका. और वो जो टैक्सी वाले भाई साहब थे उन्होंने पैसे भी हमसे नहीं लिए, बस हम उतरे और दरवाज़ा बंद किया और वो भाई साहब चले गए. पता नहीं उन्होंने पैसे क्यों नहीं लिए. हमने उनको रोका भी कि मतलब रुकिए, लेकिन वो सुने ही नहीं, वो चले ही गए तो पैसे भी नहीं लिए हमसे. और ये रहा कोकतोबे 2024. तो अभी चलते हैं इसके अंदर और इसके अंदर उसका जो बैठ के जाते हैं ऊपर उसका क्या रेट है मैं आप लोगों को अंदर चल के बताता हूँ, टिकट का क्या हिसाब किताब है. तो फिर चलिए अंदर मैं आपको दिखाता हूँ. तो दोस्तों अभी ये कोकतोबे का जो टिकट वाला है यहाँ पे आ गए हैं. चलो आ जाओ. तो गाइस वहाँ से आपको टिकट ले लेना है और उसके ऊपर ये लगाना है और ये अंदर आ जाना. ये देव भाई आ रहे हैं. ये हम केबल कार के पास आ गए हैं. टिकट इसका राउंड ट्रिप का 5000 टेंगे है और सिंगल अगर आपको जाना है तो सिर्फ 3000 टेंगे है. तो हमने राउंड ट्रिप लिया है और अभी चलते ही देखिए. अभी आ गई है केबल कार और जो टिकट काउंटर है वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी. तो अभी देखते हैं, ये इसके अंदर आके बैठ गए हैं और चलिए चलते हैं. अभी आ जाओ, नहीं तो चली जाएगी भाई. गेट वेट बंद हो गया, कहीं तो दिक्कत हो जाएगी. दोस्तों अभी हम केबल कार में आ गए हैं और ये ऊपर पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं. ये आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नजारे हैं. बहुत ही खूबसूरत नजारा. यहाँ से हाथ निकलने कहीं नहीं है ना. आप देख सकते हैं, ये है कुछ केबल कार के अंदर का नजारा. हम लोग चार लोग बैठ गए थे एक ही कार में और ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत है. अच्छा पहाड़ों में सामने अभी दोबारा नीचे आके भेजूंगा दोबारा. ये फोटो अपनी सब लो लो लो, पहले फोटो ले लो. मेरे को थोड़ा सा यार बहुत खूबसूरत नजारे हैं गाइस. ऑटोमेटिक चलते हैं यार, मजा नहीं. अरे ये खान थोड़ा खड़े हो जाओ ना यार. हां लो, क्योंकि यार जब व्यू का फोटो नहीं आएगी ना मेरे पे. ये जा रही है चलो करना. मैं नन्ने छाया का उनको भी दिखाता. अरे मेरा फोन कैसे चल रहा है, मैं तो वाईफाई बंद कर रखा है. नहीं आप कोकतोबे हिल के ऊपर आ गए हैं ये आप देख सकते हैं. और ये सामने टीवी टावर और ये यहाँ पे झूला है और वहाँ पे भी कुछ एक्टिविटी है तो उसकी भी नीचे पूरी राइड है. और ये देखो वो भाई वहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए जैसे अपने दिल्ली के इंडिया गेट पे, गेट ऑफ इंडिया पे खड़े रहते हैं, जैसे ही आपकी एंट्री होती है फ़ोटो खींच के आपको दिखाते हैं, उस तरह से यहाँ पे आपका फ़ोटो अगर आपको क्लिक करवाना है तो 1000 टेंगे में आपको एक फ़ोटो. यू आर फ्रॉम कजाकिस्तान. तो दोस्तों अभी मैं ऊपर की तरफ आ गए और
टेलीविजन टावर के पास आए हैं एंड ये व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज नज़म. नज़म? या. ओके एंड योर्स? यू आर फ्रॉम कजाकिस्तान. ओके सो व्हाट यू वांट टू से माय ऑडियंस? हाय अब्दुल्लास फॉलोअर्स. ये सब भाई लोग देखो फोटो शूट करा रहे हैं यहाँ पे यूट्यूबर. थैंक यू. अब रियाज में चलो. लौरा. फातिमा. फातिमा. यू आर मुस्लिम? फातिमा. फातिमा मुस्लिम. मुस्लिम. इंस्टा. अरे भाई फ्रेश जाए तो चिंगे. नो नो. वेलकम चिंगे. हां हां. Еще раз всех поздравляю с праздником, можно потанцевать немного. ये हमारे अदनान भाई जो कि गुस्से में लग रहे हैं. अजिया. और ये भाई साजिद भाई. साजिद भाई बस अभी बैठ गए हैं केबल कार में, अभी जा रहे हैं वापस से कोर्तोबे नीचे. स्पीक. Вы все красивые. भाई कितने कुछ कर लो मेरे मुंह पे. अरे चलिए वो अपने ब्लॉक पर Это же хочу сказать. मैं कैसे घूमी इस तरह की मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग जरूर मेरे वीडियो देखना सब लोग. तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं प्रेसिडेंट पार्क पे. ये भी यहाँ का फेमस अट्रैक्शन है और कोक्तोबे से हम निकल गए थे. लगभग 2 घंटा हमने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया. आप ऊपर केबल कार से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, सबका चार्ज अलग अलग है. आप वहाँ पे पूछ लेना और आपका जो वहाँ पे है कि वहाँ पे कई सारी एक्टिविटी हैं बच्चों के लिए, रोलर कोस्टर है और भी कई सारी चीज़ें. और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्नोफॉल हो रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है. तो दोस्तों आ गए हैं अभी प्रेसिडेंट पार्क, ये आप देख सकते हैं सामने और स्नो पड़ रही है. ये रहा एप्पल, बोला था ना बड़ा एक एप्पल है. ये रहा यहाँ पे देख सकते हैं ये बड़े बड़े 2 एप्पल रखे हुए हैं. अलमाटी का मतलब ही होता है कि सेब, सेब का जंगल. और ये देखिए आप बाहर से कुछ इस तरह से है. ये फर्स्ट प्रेसिडेंट जो यहाँ के थे ये उनके नाम पे बनाया गया है. वहाँ पे कजाक में लिखा है कुछ पता नहीं चल रहा है, इस तरफ भी लिखा है. और अंदर से ये पार्क जैसा है गार्डन. सो गाइस ये इसका मेन गेट एंट्रेंस, चलिए अंदर चलते हैं. भाई वो गए कहाँ, बात होगी? नहीं बात हुई, फोन नहीं उठाए. ये है प्रेसिडेंट पार्क. सो गाइस आप देख सकते हैं बीच में कुछ फव्वारे जैसा बना है लेकिन अभी शायद बंद है या लाइटिंग वगैरह होगी. और उसके चारों तरफ इस तरह से ये बना हुआ है बैठने के लिए. ये भाई लोग देखो यहाँ पे खूब मस्ती कर रहे हैं, बर्फ़ एक दूसरे के ऊपर फेंक कर, बर्फ फेंक फेंक के. ये देखिए वो भाई तो पूरा सेंटा क्लोज हो गया. तो दोस्तों ये है प्रेसिडेंट पार्क के अंदर का नज़ारा. ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा स्नो पड़ रही है. और ये पार्क में कुछ है नहीं, सिर्फ मतलब ये पार्क है अंदर और ये सब पूरा स्नो पड़ी हुई है. तो और भी कुछ फूल पत्ती होगी तो पता नहीं चल रहा है. और ये सब भी फूल है, ये सब अक्टूबर सितंबर में सब खिले होते होंगे. ये सब गुलाब के फूल हैं और भी दूसरे फूल हैं. ये देखिए स्नोफॉल, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है.
अभी एक जो चर्च है, कैथेड्रल ऐसा कुछ नाम है उसका, वो भी अलमाटी में ही है, मेरे हॉस्टल से थोड़ी दूर पे ही है। वहाँ पे भी मैं जाने का ट्राई करूँगा, आज हो सकेगा तो आज, या तो फिर देखता हूँ, फिर बाद में ट्राई करूँगा जाने का। वो भी एक ऐसा चर्च है, पूरे लकड़ी से बना हुआ है और उसके अंदर एक भी कील नहीं है, नेल एक, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखने में काफ़ी खूबसूरत है। और अभी आप यहाँ का व्यू इंजॉय कीजिए। अभी मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ क्योंकि गोप्रो मेरा बार बार बंद हो जा रहा है, इतना ज़्यादा माइनस टेम्परेचर है यहाँ पे, करीब 10 या 5 जो भी हो, मतलब टेम्परेचर माइनस में ही है, इसलिए शायद बैटरी उसकी काम नहीं कर रही है, कैमरा ऑफ हो जा रहा है बार बार। तो ये कुछ नज़ारा है यहाँ का, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी अलमाटी आ रहे हैं तो पूरा प्लान करके आइए, प्लानिंग के साथ आइए, कहाँ पे घूमना है, कहाँ पे जाना है, उस तरह से आप देख के आ सकते हैं। पार्क में अभी कुछ ज़्यादा लोग हैं नहीं, सिर्फ 2-4 ही लोग दिखे मुझे, ये आप देख सकते हैं। और भाई सो गाइज, अभी हम चलते हैं प्रेसिडेंट पार्क से क्योंकि हमको 1.5 घंटा हो चुका है यहाँ पे और स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसा लग रहा है कि पूरा हाथ एकदम सुन्न हो गया है, ठंडे पड़ गए हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं एक मोबाइल की मार्केट में और ये मार्केट लगभग अर्बत स्ट्रीट के पास में ही है और इसका नाम है आयरो वक्जल मार्केट है। ये देख सकते हैं आप, ये मार्केट में नए और पुराने सब फ़ोन मिल रहे हैं, ये देखिए आईफोन वगैरह भी यहाँ पे है। तो अगर आप लोगों को एक्सप्लोर करना हो या कोई भी एसेसरीज चाहिए हो यहाँ पे, तो आप मोबाइल के लिए यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। देखो हमारे अदनान भाई यहाँ पे बैठ के मज़े कर रहे हैं। चलो यार, चलो बाहर चलो। ओके हाँ ठीक है भाई, कल मिलते हैं। सो गाइस, ये है बाहर से मार्केट मोबाइल की, पूरा इसमें मोबाइल का एसेसरीज और मोबाइल ही मिलती है इसमें। और अभी जा रहे हैं हम अपने हॉस्टल पे। तो दोस्तों अभी हम लोग अर्बत स्ट्रीट के पास घूम रहे थे और एक ये गेम का कुछ जोन है, गेम खेलने वाला, तो यहाँ पे आए थे, तो ये हमको ये मिली है। व्हाट्स योर नेम? तमिरिस्क। और व्हाट्स योर नेम? नूरबोध। नूरबोध एंड तमिरिस्क, तो हम लोग यहाँ आए थे तो इनको मैंने अपना चैनल बताया, तो उन्होंने कहा कि हमारा भी वीडियो बना लो और चैनल पे डालना, हम जरूर देखेंगे। सो यू आर नाउ इन वीडियो, वॉच ऑन माय चैनल। वेलकम। ओके थैंक यू। गाइस यार, संतरे देखिए कितने छोटे छोटे हैं, ये 800 टेंगे, मतलब 800 रुपया, 800 टेंगे का 1 किलो है, तो मैं ये 1.5 किलो ये भी ले रहा हूँ। और इस तरफ देख लेते हैं, ग्रीन एप्पल सुबह में लिया था, तो आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ उसको वजन करके और इसका बिल कैसे बनाया जाता है। तो आपको आना है यहाँ पे, यहाँ पे ये इसके ऊपर रखना है, यहाँ पे जितना भी वजन होगा ये बन जाएगा। एक छोटा सा और ले लेता हूँ, एक मिनट। इधर आओ, इधर आओ, और ये ओके हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे टाइप करना है और इसमें आपका जो 12 नंबर जिसे संतरे का है, तो आपको 12 नंबर लगा देना और यहाँ से इसका एक पर्ची निकल जाएगा, आप उस पर लगा लें, थोड़ा नज़दीक आओ ये वाला भी दिखा दें। उसके बाद ये जैसे अनार है, इसको मैंने यहाँ रखा और इसका नंबर है, इसका नंबर है 38, यहाँ पर लगाया और इसमें 38 टाइप कर देंगे आप और यहाँ एंटर कर देंगे, 38 एंटर, ये अनार की पर्ची निकल गई और ये हो गया अनार।
इसका वेट भी इसके आगे है। तो ये आपको पॉलीथीन में ले लेना, उसके बाद आप बिलिंग काउंटर पे करवा सकते हैं। ये यहाँ पे सब्जी और फल वगैरह सुपर मार्केट में खरीदने का ऐसा तरीका है यहाँ पे। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से फिर बाद में। हेलो प्रिवियत, हेलो हेलो हेलो, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज बोसा 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 बोसा। भाई डर तुमसे।